तो भाई ये है कुछ हल्दीराम का सीन, और अभी बारकोड स्कैन करके देख रही का कुछ ले खाने पीने का भाई मॉल से ज़्यादा, तो इसमें भीड़ है। अब देखते जाए जो भी ऑर्डर करते हैं, एक बार करते हैं ट्राई और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो भाई हमने करे हैं छोले भटूरे ऑर्डर हल्दीराम से, और एक पानी की बोतल भाई 38 की पानी की बोतल दी इन्होंने, और ऊपर से टैक्स अलग से लगाया, GST वगैरह। देखते हैं, यहाँ भीड़ तो बहुत है, मतलब पूरे मैं पहले ही बता रहा था जैसे मॉल से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। खाते देखते टेस्ट करते बताते हैं आपको। तो भाई हल्दीराम वालों ने दिया अपना ये, इसमें लगता है फीडबैक, और मैं दिखाता हूँ एक बार इसमें नाम, प्लीज़ गिव योर डिटेल और अटेंशन टू योर बिजनेस कार्ड, ऐसा कुछ। और सेकंड ऑप्शन है प्लीज़ रेट द फॉलोइंग, मतलब ये मान लो एक टाइप का सर्वे टाइप है और ये फिलअप करना है, ये एक्सेलेंट गुड सफिशिएंट और पुअर होता है सभी। देखते हैं पढ़ते और फिर करते हैं काम यहाँ से। फिर हम सोच रहे थोड़ी बहुत देर ही बैठते, पर खाना तो हमने खा लिया, देखते जैसे भी रहेगा। तो वही भर दिया हमने ऐसे कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये अपने चैनल का नाम सबसे ऊपर भर दिया जो भी डिटेल है, तो हमने कहा छोले भटूरे। तो अब देखते देते इनको वापस, ये यहाँ से उठा देंगे और डन है सब कुछ। तो थोड़ी देर वेट करते और चलते फिर। तो वही बैठे बैठे हो गए थे बोर, तो इसलिए हमने करे हैं रसगुल्ले ऑर्डर। भाई साहब ये कुछ 70 रुपये का एक गोलगप्पा कह रहा हूँ रसगुल्ला है, और जैसे भी, और ऊपर से रसगुल्ले पे भी टैक्स लगा रखा है इन्होंने कुछ 5% टैक्स लगा रखा है, GST भी CGST भी। भाई ये इतने ज़्यादा टाइट है, मतलब मैं अगर जो जितना जोर लगा सकता हूँ उतना जोर लगा रहा हूँ, और ये टूटने का नाम नहीं ले रहे, मतलब चम्मच टूट जाए। पर ये आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद टूट तो गए हैं, ट्राई करते हैं फिर बताते हैं आपको। सब कुछ बोल रहा हूँ, मतलब सफाई का तो प्रॉपर ध्यान रखने जा रहा है, मतलब हर 2 मिनट में 4 मिनट में, मतलब अप्रोक्स 10 मिनट में एक बार तो भाई ये भाई आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि अगर बाई चांस कोई कुछ गिराता है तो वो साफ़ करने आ जाते हैं। पीछे भी ये आगे जाते हैं, और हमने 3 ऑर्डर तो कर चुके हैं, बाकी मतलब टाइम पास करने के लिए वो तो था नहीं, पहले तो थिएटर में जा रहे थे, थिएटर में शो का टाइम नहीं मैच हो रहा था, इसलिए यहाँ आके बैठ के तो भाई गेम खेल रहे हैं अजीब सा, बहुत पुराने जो बचपन में खेलते थे, और देखते जैसे भी रहता है। फ़ोन हमारे पास चार फ़ोन में है हमारे पास, पावर बैंक है, ईयरबड्स है, सब कुछ है, मतलब टाइम पास करने के लिए बस जगह देखनी थी, इसलिए यहाँ पे बैठ के हैं, और फ्री में नहीं बैठे, मतलब खाना खा रहे हैं हर टाइम में, ऑर्डर दे रहे हैं, देखते क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा एक बार। तो भाई हल्दीराम से निकल गए, ये था यहाँ पे, और कम से कम मतलब ये मान लो हमने यहाँ 1.5 घंटा स्पेंड करा है, और चार ऑर्डर करे हैं, और मतलब ये नहीं था कि बैठे रहो। भाई एक मिनट, तो एक बार जाते हैं यहाँ पे फ्रेश वगैरह वॉशरूम वगैरह जाते हैं, और फिर वहाँ पे जाएंगे जहाँ सेंटर है, या फिर एक बार थोड़ा घूमेंगे, अगर कुछ पसंद आ गया तो ख़रीद लेंगे उसको। तो भाई बाल बुल सेट कर लिए, मूछ वगैरह सेट कर लिए, और अब चल रहे एक बार बाहर, मतलब बाहर नहीं एक बार नीचे चल रहे, देखते कैसा क्या रहेगा इन, और इनके एक्सीलेटर और लिफ्ट तो भाई ख़राब है ही, तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये ट्रेन सी चल रही है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, घूमने फिरने के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए है बस। और हम नीचे वाले फ्लोर पे आ गए एक्सीलेटर पे, नीचे उतर के बंद है क्योंकि ये, और देखते हैं यहाँ पे जैसा रहेगा, देखते हैं
ये कुछ यहाँ का एरिया है, ऊपर का मतलब समझ नहीं आया कैसे क्या कर रखे हैं। तो भाई निकल गए हैं, कुछ ऐसा खासा पसंद नहीं आया, और बाल भी थोड़े सेट करके आए हैं, मतलब वहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो मुंह वगैरह मतलब मुंह धो के और थोड़ी सी सेट करके और चल दिए एक बार। बस ये मान लो टाइम रह गया, डेढ़ घंटा रह गया, और बीच में एक मॉल हो रहा है, देखते हैं वहाँ जाएंगे तो ठीक है, वरना करते हैं। मतलब ये होता है यार, मूवी का प्रोग्राम सेट हो जाता ना, तो भाई ढाई घंटे आराम से मतलब वहाँ बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। हम तो सोच के तो वही गए थे, पर भाई नहीं हो पाया तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे, और ये मेट्रो स्टेशन दिखाता हूँ आपको एक बार बैक से, बैक कैमरा करके। तो ये है कुछ यहाँ का मेट्रो स्टेशन, ये वो ब्रिज है जहाँ से हम जाएंगे अभी भी, और आए भी यहीं से थे। भाई ऐसी स्टेयर्स चढ़ चढ़ के भाई आज बोर हो गया है, मतलब सुबह से कभी इन्हीं स्टेयर्स से उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, और ये भी नहीं होती कभी एक दो, ये मतलब ढेर सारी होती है। पहले यहाँ से चढ़ो, फिर वहाँ घूम के वहाँ घूम के वहाँ घूम के फिर नीचे जाके होता है। देखते हैं जैसा भी रहेगा। ये कुछ यहाँ का मेन रोड है, हाईवे बोल सकते इसको, और ये पता नहीं NH कौन सा है, बाटा चौक है ये, मतलब जो ये मेट्रो स्टेशन है बाटा चौक वाला है। तो भाई पीछे ट्रैफिक देख सकते हो, मतलब कितना मस्त है यहाँ का व्यू, मतलब मुझे तो पसंद आता है भाई ऐसी ऐसी जगह है। अरे सबका पता नहीं भाई, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबके अपनी अपनी पसंद होती है, मुझे ऐसी जगह पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ बंदे बहुत सारा क्राउड हो रहे, घूमने फिरने में मज़ा। और भाई पहाड़ साइड जाना तो मतलब वो तो मेरा मतलब वही है मनपसंद, सबसे वही है भाई, बिल्कुल मतलब दो हैं, एक तो मतलब बिल्कुल सुकून हो जहाँ पे मतलब कोई टोके रोके टोके ना करे क्या, जहाँ मतलब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई पूरा क्राउड होना चाहिए, ना तो ये होना चाहिए भाई ना क्राउड हो ना ये कि भाई टोक टोक कुछ नहीं, या तो पहला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। बाकी उतर रहे हैं और धूप देख सकते हो एकदम, धूप चेहरे पर कितनी ज़ोर से लगी है, और जैसे भी रहेगा दिखाएंगे आपको ज़रूर, मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ ये सब पेरेंट्स बैठे जो मतलब बच्चों के पेपर दिलाने आए हैं, और भाई यहाँ गंदगी कितनी ज़्यादा आप देख सकते हो, कितना ज़्यादा गंदगी फैला रखी है यहाँ सब ने मिलके। हाँ इन्होंने नहीं फैला रखी, पहले से फैली हुई है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, बाकी भाई गंदगी तो फैली हुई है। तो भाई यहाँ है गार्डन, और भाई मैं एक बार पीछे वीडियो दिखाता हूँ, मतलब सारे के सारे पेरेंट्स जो साथ में आ रखे सारे के सारे यहाँ यहीं बैठे हैं, तो उससे देख सकते हो, और यहाँ मतलब सही है, मस्त हवाई चल रही है, और देखते हैं मतलब थोड़ा सा टाइम रहता है इसलिए आ गए थे हम, क्या पता दीदी पहले निकल आए और हम जल्दी चले जाए, जैसा भी रहेगा देखते एक बार, मतलब 6 बजे का तो टाइम है, शायद उससे पहले तो नहीं आ सकते, और टाइम अभी हो गया है 45, तो जैसा भी रहेगा देखते एक बार करते हैं। भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने में रहते 13 मिनट, और 13 मिनट का हाल दिखाऊँगा अभी, एक मिनट देख सकते हो आप, ये भाई कुछ ज़्यादा ही वैसे हैं। 13 मिनट बाद एग्जैक्ट ये लोकेशन पे खड़ा होकर मैं आपको यहाँ का एरिया दिखाऊंगा कैसा होगा, मतलब गेस करना आप, अब जब तक गेस करो जब तक मैं दिखाता हूँ 13 मिनट बाद आपको। तो भाई टाइम हो गया 5:50, और टाइम रहता है 10 मिनट बस, और देखते जैसे भी रहेगा, पीछे का हाल अभी देखना और 10 मिनट बाद देखना, मतलब भीड़ दिखाऊँगा मैं आपको, और होप सो मतलब दीदी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब की बार भाई बहुत मेहनत कर रखी है, कर पिछली बार भी रखी थी पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, वैसे पहले 2 लिस्ट में तो आ गया था, अब की बार देखते हैं अगर भगवान ने चाहा तो भाई सारा हो जाएगा, और मेहनत इतनी कर रखी होना भी चाहिए। बाकी जैसे भी रहेगा आपको दिखाएंगे, और अभी तक अभी से पहले भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो जो भी पेरेंट्स साथ में आए थे, और जैसे भी रहेगा दिखाएंगे एक बार आपको। भाई 10 मिनट रहते हैं अभी, 8 मिनट रहते हैं, और भीड़ देख सकते हो व्हीकल्स की, क्योंकि भाई सबको पता चल हो गया है कि भाई एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, और ये देख सकते हो टाइम कुछ 8 मिनट से भी कम ही साथ ही रहेगी, और दिखाता हूँ 7-8 मिनट बाद गए आपको यहाँ का दृश्य। भाई 4 मिनट रहते हैं और हाल देख लो, मतलब और भी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पर, गेट पर भी बंदे आ गए, जैसे भी रहेगा एक बार ये मान लो 3 मिनट ही रहेगी, 3 मिनट जैसा भी होगा दिखाते हैं एक बार आपको।
भाई टाइम हो गया ख़त्म और भीड़ होगी इतनी ज़्यादा। मतलब ये है कि भाई उनके वो रफ शीट और वो एडमिट कार्ड जो भी होते हैं वो सबमिट हो रहे हैं ऊपर, इसलिए थोड़ी सी 2-4 मिनट लेट हो रखी हैं। उन्हें टाइम तो पूरे 6 बज गए हैं, जैसे भी होगा दिखाएंगे आपको। तो भाई 6:10 हो चुके हैं, अभी तक नहीं आए, ये कह रहे टाइम लगेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा, भीड़ अंदर से आई नहीं और भीड़ इतनी ज़्यादा भाई, और तब एकदम आएंगे तो भाई बवाल मचेगा, जैसे भी देखते हैं। तो भी टाइम हो गया और पीछे मेरे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा, पता नहीं कब आएगी, आया अभी तक कोई भी नहीं है। यो सही है ना। तो वही हो गया अंदर, मतलब पेपर छोड़ दिया उन्होंने अपने जो भी एडमिट कार्ड वगैरह लेके। अरे अब एक बार देखना, मैंने गेट खोल दिया और ये लोग गेट में घुस गए। हेलो, अरे उसको उसके पास से बात करा देना, जरा बुद्धि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स से निकल रहे हो। नंबर दो है आपके पास? वही मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में ही आएगी निकल के मेरी दीदी। तो बाकी देखते हैं, ऐसे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है। चलो चलते एक बार देखते जैसे भी है। मस्त, अरे वाह। तो भाई आ गया, 6:15 हो गए टाइम और अब छूटे और पीछे भीड़ देख सकते हो। सबसे पहले आ गए हम भाग के ताकि भाई भीड़ में ना जाना पड़े। एक बार पीछे देखो कितनी ज़्यादा, मतलब इसमें से 70% स्टूडेंट है और 30% उनके घर वाले। और भाई जा इसलिए जल्दी रहे क्योंकि भाई मेट्रो में एकदम भीड़ हो जाएगी, और उसके चक्कर में सुबह कार्ड भी लेके आए थे कि भाई टोकन में लाइन ना लगने पड़े। तो चलते एक बार जैसे ही पीछे दिखा सकता हूँ, मिलते हैं गाइस। तो वही देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़, और हम जान करके भाग के निकल के आए हैं क्योंकि भाई मेट्रो का चक्कर पड़ेगा। और चलते अब गाइस, मिलते हैं। ओ भाई साहब, तो वही चल दिए मेट्रो स्टेशन में। अभी पीछे भीड़ देख सकते हो, जो मतलब ये वो सभी वही बंदे हैं ज़्यादातर जो वहाँ एग्ज़ाम देने, क्योंकि सबसे पास मेट्रो स्टेशन यही था। और देखते हैं कब तक घर पहुँचेंगे, बस देखते हैं कब घर तक, मतलब कब घर पहुँचेंगे। और अभी कम से कम 28 या 30 स्टेशन मतलब आगे जाना है, और उसके बाद फिर वहाँ पर बाइक वगैरह खड़ी है पार्किंग में मेट्रो स्टेशन के, वहाँ से पिक करनी है बाइक और फिर कर जाना। तो भाई कर रहे हैं एक बार मेट्रो का वेट और देखते हैं कश्मीरी गेट की पकड़ेंगे या फिर कोई और मिलेगी तो, मतलब जो उनसे पहले मिल जाए वही लेंगे। और चलते फिर, टाइम हो गया पूरे 6:30 हैं और देखते जैसे भी है। तो भाई ये सारी की सारी मतलब 99% भीड़ है वो स्टूडेंट्स की है और उनके पेरेंट्स की जो अपने मतलब एग्ज़ाम देने आए थे। हम भी उन्हीं में से हैं, और मतलब सीरियसली बहुत भीड़ थी। तो भाई अप्रोक्स 19 या 20 स्टेशन तो मतलब हो गए पूरे, और एक मेट्रो चेंज करनी है तो इसलिए एक बार ऊपर जा रहे दूसरे गेट पे, तो वहाँ से पकड़ेंगे और सीधा फिर वो लास्ट पे उतार के वहाँ से बाइक वगैरह पार्किंग में पार्क कर। तो भाई एक बार भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा।
उस साइड वाला है। तो वही मेट्रो अपनी आ गई है और एक बार मतलब आने वाली है बस एक स्टेशन पीछे, और फिर चलते हैं एक बार जैसे भी रहेगा। पीछे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, और आ गई है स्टेशन मेट्रो। एक बार दिखाता हूँ मैं कैसे एकदम मस्त तरीके से ओपन होती, मतलब बहुत रेयर मिलते हैं ये चीज़। स्टार्टिंग में लगाई थी इन्होंने पर अब तो नहीं। तो वही मिल गई मेट्रो, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, और नीचे पार्किंग है तो पार्किंग पे उसे उठाते हैं। तो भाई निकल चुके हैं यहाँ से, मतलब नेक्स्ट गेट की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं मतलब एक वापस से सिटी वो सेंटर रोहिणी वाला जाने का मन कर रहा है, क्योंकि तब दी नहीं गई थी साथ में, तो सोच रहे वहीं चलते एक बार और, क्योंकि उससे अलग तो भाई कुछ है नहीं यहाँ पे। और जहाँ मेट्रो स्टेशन है ना उसके पास है, इसलिए मतलब मेन तो यही कि मेट्रो स्टेशन के पास है, तो इसलिए। बाकी आप इस टाइम भीड़ देख सकते हो और आगे की। तो भाई पार्किंग से उठा लिए बाइक, और अब चलते हैं एक बार देखते सिटी सेंटर जाएंगे, या जैसे भी जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे एक बार, मिलते गाइस। तो भाई एक बार यहाँ के मोमोज फेमस है, क्या चीज़ें भाई लाए बड़े भाई जो यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर रुके हम, देखते जैसे भी रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी हुआ है मार्केट देख सकते हो, मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा ही दुकान है, मतलब टाइम हो रखा है अभी बताता हूँ मैं आपको 8:40, और भीड़ अभी तो इतनी नहीं, मतलब इस टाइम यहाँ होती है मतलब खाने पे मेन तो जो है अभी भी, और 10 बजे तक तो भाई यहाँ पे भीड़ नहीं टूटती। तो भाई ये हैं पनीर मोमोज, और वही ये छोटा सा स्टॉल से ले गया, अरे भीड़ इतनी ज़्यादा वहाँ पर, एक बार दिखाता हूँ मैं जूम करके, सारी भीड़ उसी पर लगी हुई है। डीजी चौक मोमोज नाम है इसका, वैसे असली नाम तो फैब मोमोज है, डीसी चौक से मतलब फेमस है कुछ। तो भाई आज फिर से आ गए वहीं पे सिटी सेंटर रोहिणी में, और क्योंकि भाई अदर मज़े कर रहे हैं, मतलब मज़े ले रहे हैं, और देखते जैसे भी सही रहेगा। भाई यहाँ की लाइटिंग वगैरह तो बहुत तगड़ी है, मतलब कुछ से एक मिनट देखने आए थे तो मतलब रास्ते में था इसलिए आगे वापस से, कुछ काम था एक, अगर होगा तो ठीक है वरना तो भाई क्या ही आ नहीं सकती, इतना ज़्यादा बुरा हाल था जो दिन में गए थे। तो देखते हैं अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाएंगे, वरना पहली वाली क्लिप में जो सुबह कल शाम वाली क्लिप में तो दिखाई दिया था, मिलते हैं गाइस। तो एक बार और दिखा देता हूँ आपको ये सब, और इसकी तो एक्सीलेटर चल रही है भाई, दिन में गए थे भाई बुरा हाल मतलब। तो गाइस सब हो गया डन, अब जा रहे हैं घर पे, और वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हमें अच्छा लगे, और थैंक यू सो मच गाइस, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना, बाय बाय।